दिस इज ओवरलैपिंग, मतलब मेरे एक हाथ ने दूसरे हाथ को क्या किया, ओवरलैप किया हुआ है। बिजनेस में क्या होता है ओवरलैपिंग, कि एक काम जो मिस्टर एक्स, बिजनेस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या, प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बहुत टाइम बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज फॉर लास्ट 7 डेज आई हैव बीन इन बैंगलोर आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, नए नए एक्सपीरियंसेस लिए, कुछ स्किल डेवलपमेंट किया जो श्योरली आप लोगों के काम आने वाला है। और अपने अगले वीडियोज में वो चीज़ें शेयर करते रहूँगा, सम टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट यू कैन गेट फोकस, सो दैट यू कैन डेवलप नेटवर्क एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखते हैं क्या, वॉट इज प्लानिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब देखना है कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसके हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स उसके हमें मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लाइन का यूज कर रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है, और उस लाइन के थ्रू ही आप पूरा का पूरा पॉइंट क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो लाइन क्या है हमारी, डायरेक्शन फॉर ऑल योर एक्शंस। आपको जो भी काम करना है, जो भी स्टेप्स लेने हैं, उसको क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन, प्लानिंग। अगर आपने चीज़ें पहले से प्लान कर ली हैं तो आपको क्या है, अब यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है उसका डायरेक्शन आपको ऑलरेडी क्या है, पता है। ठीक है, सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि अगर आपने प्लान कर लिया तो हम डायरेक्शन से भटकते नहीं है, अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा वो पहले से डिटरमाइंड है। ठीक है, सो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और क्या होगा, हमारे एफर्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, फ्रूटफुल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी हर जगह है, नहीं, इन लाइफ हर कदम पे अनसर्टेनिटी है, और बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। बिजनेसमैन को नहीं पता होता है कि वो बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन अगर हम अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं तो उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप अपने नियर बाई टाउन में जा रहे हो, और आपने अच्छे से प्लान किया हुआ है कि मतलब रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मान लो चेकिंग भी हो सकती है, तो अगर आपने हेलमेट लिया हुआ है तो आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, पकड़े जाने का जो खतरा था वो क्या हो गया, कम हो गया। सिक्योरिटी अभी भी नहीं है कि आप नहीं पकड़े जाओगे, आपके पास हेलमेट है, लेकिन हो सकता है कोई शॉर्ट हो, भी नहीं है कि आप नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन आपने हेलमेट लगाया क्योंकि आपने प्लानिंग किया हुआ था, तो आगे के जो मतलब रिस्क थे डॉक्यूमेंट चेकिंग के या अदर रिस्क थे, वो पहले ही स्टेप में आपने क्या कर दिए, कम कर दिए, बिकॉज यू आर वेयरिंग हेलमेट। और हेलमेट क्यों पहना है आपने, क्योंकि आपने प्लानिंग किया हुआ था, पहले से अंदाजा लगाया हुआ था कि हो सकता है चेकिंग मिल जाए। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्या होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब होता है क्या, ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैपिंग, मतलब मेरे एक हाथ ने दूसरे हाथ को क्या किया, ओवरलैप किया हुआ है। बिजनेस में क्या होता है ओवरलैपिंग, कि एक काम जो मिस्टर एक्स कर रहे हैं वही काम मिस्टर वाई भी कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एक बंदे के जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक काम मिस्टर एक्स जो कर सकते थे उसमें दो लोग लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वेस्ट होंगी। लेकिन प्लान जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्क डिसाइड कर देते हैं, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, क्या क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन प्लानिंग। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, ओवरलैप नहीं होंगी, और हमारे एफर्ट्स क्या होंगे, वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। देखो, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, है ना, मतलब सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है किसमें, प्लानिंग में। और जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, आपको पिकनिक पे जाना है कभी, है ना, तो आपने बैठ के क्या किया, सोचना शुरू किया, तो पहला आइडिया आया कि चलो हम कार से चलते हैं, दूसरा आइडिया आया कि अरे नहीं दो कार्स लेके जानी पड़ेंगी, थर्ड आइडिया क्या आया कि अरे नहीं चलो अपन एक काम करते हैं बाइक से चलते हैं, दो दो लोग चलते हैं, बढ़िया घूमना भी हो जाएगा और कॉस्ट इफिशियंट भी होगा। तो ये कब हुआ, व्हेन यू सेट, है ना, और आपने सोचना शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या आ गए, इनोवेटिव आइडियाज आ गए। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारे देखिए प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग अगर हम कर लेते हैं तो हमको डिसीजन मेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली प्लानिंग भी क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, अब हमें इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया, डिसीजन मेकिंग किया। हमने देव है और मोनू है, देव क्या करेगा ये काम करेगा, मोनू हमारा क्या काम करेगा दूसरा काम करेगा। यहाँ पर क्या किया हमने, डिसीजन ही तो लिया है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, अगर हमने बढ़िया प्लान कर लिया तो हमको डिसीजन आगे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल कब आता है, जब आप अपने लिए स्टैंडर्ड तय कर देते हो तभी तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, है कि नहीं। आपने कोई स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किया हुआ है तो कंट्रोलिंग कहाँ से लेके आओगे आप। यू हैव नॉट डिसाइडेड येट कि आई हैव टू स्कोर 80% 90% और 100%। तो अगर आपके 60% आ गए तो कैसे कंट्रोलिंग करोगे, क्योंकि आपने तो पहले से डिसाइड ही नहीं किया था कि मुझे 80% चाहिए 90% चाहिए। तो अगर हमने प्लान कर लिया तो इसका मतलब क्या कि हर चीज़ को करने के हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए, कितने टाइम में ये काम होना चाहिए, कितना टर्नओवर चाहिए हमको, कौन करेगा कैसे करेगा, ये सब हमने डिसाइड कर लिया। अब जो हमने सोचा था जो प्लान किया हुआ था उससे अगर कुछ डेविएशन आते हैं, कुछ से वो डिफरेंट होता है तभी तो हम कंट्रोलिंग करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोलिंग कम्स ओनली आफ्टर प्लानिंग। पहले हमने प्लानिंग किया तब जाके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट प्लान, अगर हमने स्टैंडर्ड सेट नहीं किए तो कंट्रोलिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। होप वीडियो इज क्लियर टू यू। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।